हाँ भैया, बस 2 मिनट में पहुंच रहे हम। क्यों, क्या हो गया? ओ ठीक है ठीक है, फिर कल कॉल करके बता दीजिएगा। क्या हो गया मामा? बताती हूँ। अरे बच्चों, तुम्हें पता नहीं है या खेलना मना है? आज स्कूल नहीं है क्या? कल बारिश के वजह से स्कूल बंद हो गया था। अरे कल मेरी कार का शीशा टूट गया, मैंने सोसाइटी में कंप्लेंट नहीं की, मैं बोल नहीं दूंगा। हमने आपकी कार का शीशा नहीं तोड़ा, वो बड़े बच्चे आते हैं उन्होंने तोड़ा होगा। नहीं नहीं, मैं बोल नहीं दूंगा। अंकल प्लीज हमारी बॉल दे दो। नहीं, बॉल नहीं दूंगा मैं। अंकल प्लीज हमारी बॉल दे दो। चलो ठीक है, ओके। ये आम का पेड़ किसने काटा? यहाँ तो एक चिड़िया का घोंसला भी तो था ना। मुझे लगता है वो गिर के टूट गया होगा। ये मेरा फेवरेट पेड़ था, अब नहीं रहा। मुझे लगता है ये किसी वुड कटर का काम है। वुड कटर? हाँ, वुड कटर। वो छोटे छोटे अंडे तो गिर के टूट गए होंगे। हाँ। अरे वो देखो। One evening, Miss Pigeon, Aditi, Pigeon से याद आया, वो आम के पेड़ पे जो घोंसला था, उसका क्या हुआ होगा? हाँ, ये सुन के मुझे बुरा लग रहा है। वो चिड़िया अपने माँ बाप के बिना कैसे रहेंगे? मुझे लगता है उनके मम्मी पापा ने उनको ढूंढ लिया होगा। पार्टी है, सब जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। नहीं बेटा, रोज रोज ऐसे नहीं चलेगा। हफ्ते में एक दो दिन इसके उसके घर खेलते रहते हो, खेलना कूदना बहुत हो गया। अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, मैथ्स की रिवीजन बाकी है। ओके मम्मा। बेकरी का सब सामान। आई मीन टॉयज। हाँ मैं बेकरी हूँ। अरे घुटने तक पानी जमा है, गाड़ी चली नहीं रही, वैन आई नहीं रही, स्कूल के बस आई नहीं रही। बच्चों के बहुत नुकसान हो रहे हैं। बट अब कैसे करेंगे कवर सिलेबस इनका? स्कूल का काम है ना। और ऊपर से जो इतनी मस्ती कर रहे हैं, सर दर्द हो गया। देख न्यूज में भी आ रहा है पूरा, देख कितना कितना पानी लगा। आज भैया ने सबको घर पे बुलाया, मुझे लगता है कि हमारे लिए कोई सरप्राइज होगा। हाँ फिर तो हम पार्टी करेंगे। क्या सरप्राइज है भैया? मुझे लगता है कुछ तो बढ़िया है, जल्दी बता दो ना भैया। प्लीज बताओ ना भैया। तुम लोग को पता है कल 3 दिन की स्कूल ने छुट्टी क्यों दी है? क्यों भैया? क्योंकि लैंडस्लाइड हो गया है, बाहर बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ मम्मा ने बताया था मुझे इसके बारे में। तो तुम लोग इधर पार्टी क्यों कर रहे हो? बाहर इतना प्रॉब्लम चल रहा है, पार्टी कर रहे हो, कमाल। लैंडस्लाइड कैसे हुआ भैया? मैम ने एक बार स्कूल में दिखाया था। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ।
हमारे पृथ्वी में एक समय पर सबसे ज्यादा पेड़ पाए जाते थे, पर शहर के विकास के चलते हमने हमारे जंगलों को साफ कर दिया और हमारी जरूरतें पूरी की। एक तरफ हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, पर उन्हीं घरों में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया है क्योंकि तापमान बढ़ चुका है। कभी बारिश, कभी तूफान, कभी लैंडस्लाइड या बाढ़ आ रही है। और आप लोगों को पता है ये सब क्यों हो रहा है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। डिफॉरेस्टेशन मतलब वनों की कटाई। बेटा ये तो आपको तय करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर बिल्डिंग आने वाला है। हाँ। तो ये पेड़ कट जाएंगे ना? बिल्डिंग बनाने के लिए ये पेड़ तो हम काट देते हैं, मगर उसके बदले दूसरे पेड़ हम नहीं लगाते।